अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज पर एक्सक्लूसिवली जूम पर बोली करीना। करीना की प्रेगनेंसी का रियल सच। गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ सागरिका। और मैं हूँ आराधना। एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड की फुल अपडेट और जूसी गॉसिप। यस, एंड बिफोर वी बिगिन द शो, लेट्स हैव अ लुक एट द हेडलाइन। प्रेगनेंसी की न्यूज पर करीना का फर्स्ट रिएक्शन ऑन जूम। अपनी लाइफ के डिसीजन से नहीं करेंगे करण बिपाशा को इन्वॉल्व। टाइगर और दिशा ने अपना रिलेशनशिप किया पब्लिक। एक सवाल को सुनते ही आ गए अक्षय के आंसू। मगर सबसे पहले आज की टॉप न्यूज। पिछले कुछ दिनों से ऐसे खबरें आ रही थी कि करीना कपूर खान बहुत जल्द बनने वाली है मम्मी। और अपनी इस प्रेगनेंसी की न्यूज पर करीना ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात की। फाइंड दैट आउट इन आवर टॉप स्टोरी। I think me and Saif have always been very, very honest. Pregnancy ki news par, first on Zoom, Kareena ne todi apni chuppi. Whenever there is something to say, of course, we will tell our fans. First on Zoom, Kareena ne pregnancy ki rumor par diya jawab. But, you know, the time is not right and whenever it does, God willing, inshallah, we'll be the first to tell the media. Ji haan. करीना कपूर खान के प्रेगनेंसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से हर जगह बातें हो रही हैं। ऐसे में जूम ने करीना से डायरेक्टली उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज पर सवाल किया, तो करीना ने इस न्यूज को ना तो कंफर्म किया ना ही इसे पूरी तरह से डिनाई किया। I think me and Saif have always been very, very honest. Yeah. And, you know, whenever there is something to say, of course, we will tell our fans. But, you know, the time is not right and whenever it does, God willing, inshallah, we'll be the first to tell the media. सुना आपने, करीना ने साफ साफ कहा है कि वो सही वक्त पर अपने फैंस को खुशखबरी देंगी। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या करीना कपूर सच में प्रेग्नेंट हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो साफ साफ शब्दों में इस न्यूज से पूरी तरह से इनकार कर सकती थीं। लेकिन उन्होंने दिया ये टाल मटोल जवाब, जो कहीं ना कहीं इस रूमर के सच होने की ओर इशारा कर रहा है। I think me and Saif have always been very, very honest. Yeah. And, you know, whenever there is something to say, of course, we will tell our fans. But, you know, the time is not right. And whenever it does, God willing, inshallah, we'll be the first to tell the media. वैसे करीना यहाँ डिप्लोमेटिक जरूर बन रही हैं, लेकिन उनके डैड ने रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो करीना की प्रेगनेंसी को लेकर आ रही खबरों से खुश हैं। वेल, हमने करीना के ऑफिशियल स्टेटमेंट को आप तक सबसे पहले पहुँचा दिया है। अब आप खुद ही गेस कर लीजिए कि इस प्रेगनेंसी की न्यूज में है कितना दम। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। एक सवाल ने रुला दिया अक्षय कुमार को। एक सवाल को सुनते ही अक्षय की आंखों में आ गए आंसू। आखिर किस सवाल को सुनते ही अक्षय हो गए इमोशनल? हर सवाल का जवाब हमारे इस स्टोरी में। एक सवाल को सुनकर निकल गए अक्षय के आंसू। एक सवाल ने कर दिया अक्षय को रोने पर मजबूर। वेल, अक्षय को रुलाने वाला ये सवाल था अवार्ड से जुड़ा। अक्षय से पूछा गया था कि आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा कलेक्शन करती हैं, लेकिन अवार्ड के मामले में पीछे रह जाती हैं। बस फिर क्या था, यहाँ एक मीडिया पर्सन ने अवार्ड का नाम लिया, वहाँ निकल गए अक्षय के आंसू। फिर भी आपको कभी अवार्ड नहीं मिलता, इसके पीछे का राज क्या है सर? व्हाट इज इट? अवार्ड 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 कभी नहीं मिलता है। जी हाँ, अब तो समझ गए ना आप कि ये आंसू थी अक्षय की ड्रामेबाजी। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प््रॉब्लम नहीं है। और वेल, तो कुछ यूं रही फिल्म हाउसफुल 3 की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां अकी की ड्रामेबाजी ले गई सारी लाइमलाइट। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। करीना कपूर खान को
नहीं है सेंसर बोर्ड की परवाह। फिल्म उड़ता पंजाब की कॉन्ट्रोवर्सी से नहीं पड़ता बेबो को कोई भी फर्क। उड़ता पंजाब कॉन्ट्रोवर्सी से क्यों है करीना एकदम बेफिक्र, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। Whether there are 3 cuts or 93 cuts, our fans are going to go and support the film. Kareena ne diya censor board ko karara jawab. Nothing will deter the fans and the audiences and the excitement levels. Kareena ko nahi hai censor board ki bilkul bhi parwa. Whether there are 3 cuts or 93 cuts, our fans are going to go and support the film. करीना कपूर को अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर कितनी भी कंट्रोवर्सी क्यों ना हो उनके फैंस फिर भी फिल्म देखने जाएंगे। But I think that justice will prevail and I'm sure that whenever the film releases and hopefully the film will release on the 17th, sure. that nothing will deter the fans and the audiences and the excitement levels. So whether there are 3 cuts or 93 cuts, our fans are going to go and support the film. सुन रहे हैं आप करीना ने कितने कॉन्फिडेंस से कहा है कि उड़ता पंजाब वर्सेस सेंसर बोर्ड की इस फाइट में फैंस भी फिल्म को ही सपोर्ट करने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में फिल्म को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी काफी बढ़ गई है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री सेंसर बोर्ड के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। ऐसे में अब सेंसर बोर्ड फिल्म के आगे हार मानता है या नहीं ये बस कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल फिल्म को काफी पब्लिसिटी मिल रही है और अब बस सबको उड़ता पंजाब के रिलीज होने का ही इंतजार है। फॉर उद्रानी चटोराज, जूम मुंबई। सोलो फिल्म कब आएगी इस सवाल पर क्यों भड़के अभिषेक बच्चन? लीड रोल के सवाल को सुनते ही क्यों हो गए अभिषेक बच्चन अनकंफर्टेबल? आखिर क्या है ये पूरा माजरा, चेक इट आउट। हम आपको एज अ लीड कोई अपकमिंग आपके मूवीज में देखने मिलेंगे वापस, आप हमें I didn't understand your question. Would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? What are you trying to say? I'm saying as a male lead. What? I mean, I'm not understanding your question. Abhishek Bachchan ko ek simple sa sawal nahi aaya samajh. Would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? I'd love that, yeah. As a lead, like a solo actor. As the only person in the yeah. film? It'll be a very boring film. या यूं कहें कि अभिषेक जानबूझकर इस सवाल का नहीं देना चाहते हैं जवाब और इसीलिए बार बार यहाँ नौटंकी करते रहे। I'm saying male lead. It will be a selfie film. Huh? Just take my camera. इस तीन घंटे तक ऐसे घूमने का। हाँ। अभिषेक, I'm saying as a male lead. As a main lead. Male. Yeah. So I act like a female right now or what? I mean, I'm not understanding your question. अभिषेक बच्चन की ये ड्रामेबाजी तब तक कंटिन्यू रही जब तक उन्होंने अपनी बात मनवा नहीं ली। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि वुड वी सी यू लाइक फॉर एग्जांपल इन लव इन गुरु यू आर द ओनली लीड एक्टर। नो आई वाजंट द ओनली लीड एक्टर इन गुरु। मिथुन दा एंड माधवन वर मेल एक्टर्स इन दैट एज वेल। देखा आपने, अभिषेक से एक आसान सा सवाल किया गया था कि एज सोलो लीड वो कब फिल्म में नजर आएंगे, लेकिन इस सवाल का वो क्या जवाब देते। दरअसल सब जानते हैं कि अभिषेक की सोलो फिल्में उतनी नहीं चलती जितनी उनकी मल्टी स्टारर फिल्मों को सक्सेस मिलती है और इसीलिए शायद सोलो फिल्म्स के ऑफर्स भी उन्हें नहीं आते हैं। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने की बजाय अभिषेक सवाल को गोल मोल घुमाने की नाकाम कोशिश करते रहे। अभिषेक ने हर तरह से खुद को जस्टिफाई भी किया। I just feel that every actor should be given the love and respect as his fellow actor. So I've never believed in this word of solo male lead. For me, a solo film is when you're doing it alone, just you're the only person in the film. Because I think I share the platform with all my actors and they're all wonderful. मगर पूरी मीडिया के बीच सच्चाई का सामना करने से अभिषेक बच्चन डर गए। अभिषेक ने नहीं माना कि उनकी सोलो फिल्में कुछ खास नहीं करती। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। सिंह ग्रोवर के फैसलों में नहीं होगा वाइफ बिपाशा का एक भी इंटरफेरेंस। अपनी लाइफ के डिसीजंस में नहीं करेंगे करण बिपाशा को इन्वॉल्व। वेल, क्या है ये पूरी न्यूज, देखिए हमारी स्टोरी में। प्लैनेट बॉलीवुड।
we still choose our work the way we choose our work. Kiss के लिए करण लेंगे बिपाशा से पंगा. We still choose our work the way we choose our work. Kiss के लिए करण करेंगे बिपाशा को नाराज. Well, करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा की शादी के बावजूद करण चाहते हैं कि वो ऑन स्क्रीन किस करें. और कल जब बिपाशा साथ नहीं थी तो करण ने साफ कहा कि उन्हें किस करने में कोई एतराज नहीं है. बिपाशा ने ये कहा था नो किस पॉलिसी रहेगी आपकी, तो क्या आपका अगली हेड शो में ऐसे कुछ किस किस करते हैं, करण नहीं दिखेंगे ऐसे कुछ है? वो आपको डेढ़ घंटे के शो में सिर्फ वो याद है? नॉट बैड. नहीं, वो शी मेंटेड एज अ जोक, ऐसा कुछ नहीं है. बट We still choose our work the way we choose our work. करण ने साफ कर दिया है कि वो अभी भी अपना काम खुद ही चूज करेंगे और बिपाशा का उसमें कोई से नहीं होगा. मगर अब हम आपको दिखाते हैं कुछ दिनों पहले का इंटरव्यू जहां बिपाशा साथ थी तो करण के सुर बदले हुए थे और वो बिपाशा को ही बॉस कह रहे थे. करण बिपाशा नॉर्मली शादी के बाद एक्टर्स होते हैं, उनका एक क्लॉज हो जाता है नो किसिंग या नो लव मेकिंग का. नथिंग फॉर यू, यू आर द बॉस बॉस. मगर करण ने बिप्स के इस अल्टीमेटम को हवा में उड़ा दिया और वो है किस रेडी. अब तक के करण के फिल्म करियर में उन्होंने बिपाशा, डेजी और जरीन तीनों को किस किया है और उनके आज के स्टेटमेंट के बाद यही लग रहा है कि ही वांट्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड इवन आफ्टर मैरिंग बिपाशा. वी जस्ट होप कि बिपाशा ये ना सुन लें. पर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई. में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आमिर और रणबीर की सीक्रेट मीटिंग. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड. देर रात तक आमिर रणबीर ने की सीक्रेटली एक मुलाकात. आमिर रणबीर की सीक्रेट मीटिंग में करण जौहर भी शामिल थे. रणबीर और आमिर की सीक्रेट मीटिंग का राज खुलेगा हमारी इस स्टोरी में. रणबीर और करण ने की आमिर से मुलाकात. अयान मुखर्जी भी थे इस मीटिंग का हिस्सा. करण चाहते हैं आमिर से दोस्ती बढ़ाना. कल रात रणबीर कपूर, करण जौहर और अयान मुखर्जी थे आमिर के घर और इन्होंने की है सीक्रेट मुलाकात. खबरें हैं कि अयान एक सुपर हीरो मूवी बना रहे हैं जिसमें रणबीर कपूर लीड होंगे और करण जौहर इसे प्रोड्यूस करेंगे और इसी मूवी में शायद एक कैमियो आमिर भी करें. करण चाहते हैं कि आमिर इस मूवी में एक रोल करे और शायद इसीलिए करण ने की आमिर से ये मुलाकात, क्योंकि आमिर ने स्क्रिप्ट देखने की कर दी थी डिमांड. अब इस मीटिंग का नतीजा क्या रहा ये तो हमें आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा जब ये लोग इस मूवी के बारे में ऑफिशियली अनाउंस करेंगे. फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम मुंबई. फाइनली टाइगर और दिशा ने अपने रिलेशनशिप को कर दिया है पब्लिक. जो टाइगर अब तक दिशा के साथ अपने लिंकअप की न्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्हीं टाइगर ने सबके सामने कबूल कर लिया है दिशा के साथ अपना प्यार. चेक इट आउट. दिशा के लिए टाइगर के मन में प्यार तो हमेशा से था. अब जाकर इन पिक्चर्स के जरिए दिशा और टाइगर का प्यार हुआ है ऑफिशियल. जी हाँ, दिशा और टाइगर दोनों ही अब नहीं छिपाना चाहते अपना प्यार. ये दोनों दुनिया के सामने खुलकर अपने प्यार का करना चाहते हैं इजहार. सबसे पहले पेरिस से आई इस फोटो के जरिए टाइगर और दिशा ने अपने दिल का हाल किया बयां. और अब एयरपोर्ट से आई इन पिक्चर्स ने इनके प्यार की पूरी कहानी कर दी है बयां. Well, अब से कुछ दिनों पहले जो टाइगर दिशा के लिए कुछ ऐसा कह रहे थे. जी कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, पर she's too good for me and she's way out of my league. Too good. अब वही टाइगर प्यार का खुलकर कर रहे हैं इजहार. साफ है बॉलीवुड की इस नई प्रेम कहानी की ऑफिशियली हो चुकी है शुरुआत. फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई. मलाइका अरबाज नहीं आएंगे साथ.
मलाइका अरबाज के पैचअप की न्यूज में नहीं है कोई सच्चाई। अरबाज के साथ वापस एक ही घर में शिफ्ट होने की खबर को कैसे बताया मलाइका ने गलत, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। मलाइका अरोरा और अरबाज खान नहीं होंगे एक। अरबाज मलाइका के साथ आने की न्यूज है एकदम फेक, और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं बल्कि मलाइका अरोरा के आए इस रिएक्शन ने ऐसा सोचने पर कर दिया मजबूर। सुना आपने, रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पर स्पॉट की गई मलाइका से जब पूछा गया कि क्या वो और अरबाज फिर से आ सकते हैं साथ, तो इस पर मलाइका के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। मलाइका ने साफ कर दिया कि वो अपनी लाइफ में अरबाज खान के बिना बहुत खुश हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि मलाइका अरबाज फैमिली की खुशी के लिए फिर से एक हो जाएंगे, और अरबाज की मदर सलमा खान भी काफी बीमार थीं, इसीलिए वो भी दोनों को एक होते देखना चाहती थीं, जिसके बाद सबको लगने भी लगा था कि मलाइका अरबाज दोबारा साथ रहने लग जाएंगे। लेकिन लगता है मलाइका तो अरबाज से पैचअप करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। मलाइका के इस रिएक्शन से कहीं न कहीं साफ हो गया है कि अरबाज मलाइका को साथ देखने की उम्मीद शायद अब कभी नहीं होगी पूरी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूँ साकरिका। और मैं हूँ आराधना। और अब प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त है विजुअल ऑफ द डे का, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लीजा हेडन का एक्सट्रीमली हॉट फोटोशूट। हैव अ लुक। Okay friends, that's all for today. Hope you enjoyed our show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more musty, more news and entertainment at 7 only on Zoom. Turn on.